इंडिया 26 दलों का मेल और विपक्ष का 2024 का प्लान, क्या इन सब के आगे पीएम मोदी हार जाएंगे? ये सवाल इस वक्त उठ रहा है क्योंकि अब इंडिया सिर्फ देश का नाम नहीं बल्कि 26 दलों के मेल का भी नाम है और पीएम मोदी के सामने एक बड़ी चुनौती भी है। विपक्ष ने पीएम मोदी को अब इंडिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया है, इसलिए ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि अब इंडिया को पीएम मोदी कैसे हराएंगे। अब देखिए, पहले इंडिया का नाम सुनते थे तो ख्याल में भारत देश आता था, हिंदुस्तान आता था, लेकिन अब कांग्रेस और उसके गठबंधन ने इंडिया का एक ऐसा मतलब निकाल दिया, अब इंडिया का मतलब है 26 दलों का गठबंधन, विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया। दरअसल विपक्षी एकता की दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई, जहां से बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया तय कर दिया गया। इसका फुल फॉर्म इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है। बता दें, इसका ऐलान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। आवर अलायंस विल बी कॉल्ड द ऑल पीपल हैव एग्रीड टू हैव वन नेम फॉर द अलायंस। अर्लियर वी वर्क विथ यूपीए, नाउ with all 26 parties a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance, that is INDIL, and this is Indian National Developmental Inclusive Alliance. So everybody agreed for this. And anonymously, this. इंडिया के खिलाफ जाएंगे पीएम मोदी। अब इंडिया नाम रखना विपक्ष की एक तगड़ी चाल बताया जा रहा है, एक इमेज जो विपक्ष बनाना चाह रहा है, खुद की भी और पीएम मोदी की भी। और जाहिर सी बात है कि पीएम मोदी 2024 में विपक्ष के खिलाफ रहेंगे ही, और विपक्ष मतलब इंडिया। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि ये विपक्ष की एक चाल है बीजेपी और पीएम मोदी की एक इमेज सेट करने और मोदी इंडिया के खिलाफ है। इंडिया से हार जाएंगे मोदी। अब इन सब के बीच सवाल तो ये भी उठ रहा है कि क्या इस 26 दलों के मेल वाले इंडिया से पीएम मोदी हार जाएंगे, क्योंकि इस बार कोई बटा हुआ नहीं है बल्कि सब एक साथ हैं। यानी वोट नहीं बटेगा तो नए इंडिया को फायदा होगा और ये इंडिया पीएम मोदी के सामने एक चुनौती बनेगा। विपक्ष से चिढ़े पीएम मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बेंगलुरु में हो रहे विपक्षी दलों के महाजुटान पर जोरदार हमला बोला। उनके बयान को सुनने के बाद कहा गया कि वो इस बैठक से चिढ़ गए हैं। आजादी के 75 वर्षों में हमारा भारत कहीं से कहीं पहुंच सकता था, और ये मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, कहीं से कहीं पहुंच सकता था। हम भारतीयों के सामर्थ्य में कभी कोई कमी नहीं रही है, लेकिन सामान्य भारतीय के इस सामर्थ्य के साथ हमेशा भ्रष्टाचारी और परिवारवादी पार्टियों ने अन्याय किया। आज देश के लोग 2024 चुनाव में फिर एक बार हमारी सरकार वापस लाने का मन बना चुके हैं, निर्णय ले चुके हैं। ऐसे में भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। इन्हें देखकर मुझे एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। एक कवि महाशय ने अवधी में लिखा था, ये अवधी भाषा में लिखी गई कविता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर ये बड़ा फिट बैठता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है और माल कुछ है। तो सुना आपने किस तरह से पीएम मोदी इस विपक्षी बैठक से चिढ़ गए। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि इंडिया और पीएम मोदी का कैसा महामुकाबला होता है।